कार समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरें। बुंदेलखंड फोटोग्राफर एसोसिएशन के नेतृत्व में मुख्य अतिथि संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप सरावगी ने खेल रत्न अवार्ड दद्दा ध्यानचंद के नाम पर किए जाने पर खुशी जाहिर की है और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मिठाई वितरित की। इस दौरान संदीप सरावगी ने कहा कि वीरों की धरती झांसी में जन्मे दद्दा ध्यानचंद ने हिटलर जैसे तानाशाह को भी दांतों तले चने चबवा दिए और आज देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो एक सराहनीय है। बुंदेलखंड की धारा में जन्मे हॉकी के जादूगर दद्दा ध्यानचंद ने जो देश का नाम पूरे विश्व में विख्यात किया है, आज जो निर्णय लिया गया है वह सराहनीय है और जो वर्षों से चली आ रही मांग की ऐसे जादूगर और महान खिलाड़ी को भारत रत्न की कमी खल रही है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं उत्तर प्रदेश एवं केंद्र सरकार से कि ऐसे महान खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित कर उनके द्वारा किए गए उन महत्वपूर्ण कार्यों में चार चांद लगाने की पहल करें जिससे अधूरा सपना पूरा हो सके। विशेष अतिथि गहोई जागृति मंच अध्यक्ष साकेत गुप्ता ने सरकार की इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। इस मौके पर डॉक्टर विजय पहाड़िया, फिरोज खान, लखन गौतम, राजू सेन, राकेश अहिरवार, विशाल पिपरिया, विकास पिपरिया, इंदर गौतम, धर्मेंद्र चौधरी, राकेश गुप्ता, बंसल गुप्ता, सुशांत गेड़ा, बुंदेलखंड फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, झांसी जिला प्रभारी विनीत सिंह, मंडल प्रभारी विक्रम गोस्वामी, महामंत्री लक्ष्मी नारायण लहारिया, उपाध्यक्ष आशिक राजा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज भैया, गब्बर खान, हरि अग्रवाल, पवन साहू, हेमंत ठाकुर, अनवर अली, अशोक सरवरिया, आनंद ठाकुर सहित कई लोग मौजूद रहे। खेल रत्न अवार्ड दद्दा ध्यानचंद जी के नाम पर रखने पर हम, हमारी बुंदेलखंड फोटोग्राफर पूरी टीम, पूरे झांसी के नगरवासी और हमारे समस्त जिला झांसी के लोग इस समय बड़ा गौरवान्वित अपने आप में महसूस कर रहे हैं और इसी के संदर्भ में हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर ध्यानचंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए और आपस में मिठाइयाँ बांटने के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बड़ा अच्छा कार्य किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय हमारे योगी जी। कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज्यादा जी। उस हिसाब से इन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए भविष्य में आगे, यही हम सारे नगरवासी की उम्मीदें हैं। मांग करती है कि उन्हें हम संघर्ष सेवा समिति एवं समस्त हमारे व्यापारीगण एवं नगरवासी, झांसी समस्त नगरवासी इस बात की डिमांड करते हैं, इस बात की मांग करते हैं कि भविष्य में अगर भारत रत्न से हमारे दद्दा जी का नाम जोड़ा जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इससे उन्हें नवाजा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, यही मेरी आप सबसे अपेक्षा है। खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? खिलाड़ियों को संदेश देने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से दद्दा ने अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए अन्य लोगों की बात ठुकरा के अपना योगदान जो दिया है, जिससे आज झांसी अपने आप को पूरी गौरवान्वित महसूस कर रही है, इसी तरह से अगर हर खिलाड़ी चाहे तो वो ओलंपिक में और अपने हिंदुस्तान का नाम भविष्य में आगे लिख सकता है। उस समय हम लोग शायद ओलंपिक में आगे भी